हमारे बीच में सर भी आ चुके हैं जो मूवी का लीड रोल किए हैं, हीरो का रोल किए हैं। मूवी तो तीन कैरेक्टर से तो ज़्यादा फेमस होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, विलन, दोस्ती एंड एक्टर। तो सर इस मूवी के बारे में थोड़ा कुछ। देखिए ये फिल्म हमारे झारखंड धनबाद में बनी है। एक बार सीन दिखा देता हूँ। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं धनबाद में हूँ और आज मैं एक रहस्य बताने वाला हूँ। धनबाद से बाहर जा रहा हूँ, वो भी एरोप्लेन से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा वो भी धनबाद से। धनबाद में एक न्यू एयरपोर्ट बना है और कहाँ पे बना ये तो आप लोगों को पता है कि नहीं, वो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल निकल रहा हूँ और मम्मी मेरी इधर ही है। माँ आते हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे फिर से। ठीक है, एकदम। तो मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाहर, तो मम्मी के बिना आप समझ ही रहे हो कैसा लगेगा। तो अभी मैं फिलहाल निकलता हूँ, अब कितने दिन के बाद मैं लौटूंगा वो तो मुझे नहीं पता भैया, अभी तो मैं फिलहाल निकल ही रहा हूँ। तो दोस्तों मैं एक लोकेशन में आया हूँ, जैसा कि मैं बोला था कि मेरा फर्स्ट टाइम एरोप्लेन का सफर रहेगा और मैं उस लोकेशन में पहुँच गया हूँ। हमारा एक न्यू एयरपोर्ट बना है यहाँ पे, तो मैं वही आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं फिलहाल पहुँचा हूँ, आपको दिख रहा होगा, रनवे रेस्टोरेंट। सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे कहीं जाना नहीं था, धनबाद का है ये और मुझे पता नहीं है कि धनबाद में इस तरह का रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो मैं एक बार जाके यहाँ का रिव्यू लेता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल मैं जाता हूँ और अंदर में ऑनर जो है उनसे मैं जाके अभी बात करता हूँ। कल यहाँ से रेस्टोरेंट के अंदर मैं एंटर कर रहे हैं। तो अभी एक रेस्टोरेंट आए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बोला था कि धनबाद में एक एयरपोर्ट बना हुआ है, वो एयरपोर्ट नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट है। दिखाओ थोड़ा रेस्टोरेंट का व्यू। और रेस्टोरेंट में एक ड्राइविंग का भी मोड है, चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्रिज लगा है, ये फ्रिज कभी भी आपको अगर प्यास लगता है तो आके पी सकते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारा सुविधा दिया हुआ है, प्लस सारा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। जो हमारा प्लेन में जो सिस्टम रहता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई पायलट देख रहे हैं हमारा वीडियो तो एक बार कमेंट करके मेरे को बताइएगा, और कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। इधर का मैं एक बार सीन दिखा देता हूँ। यही है यहाँ का कुछ व्यू। और यहाँ के जो ऑनर है वो भैया से अभी हमारा बात हुआ है, वो भी आएंगे और उनसे मैं भी बात करूंगा, यहाँ के फीचर्स के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे क्या क्या है वो मैं बात करूंगा। फिलहाल मैं थोड़ा चला लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा है, असली का तो मैं चला नहीं पाएगा। लेकिन ये तो टाटा का स्टीयरिंग लगा हुआ है, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट बनाया गया है बाहर से तो प्लेन के जैसा वो किया गया है, लेकिन अंदर में काफी कम प्लेस में अच्छा चीज बना के रखा गया है यहाँ पे, जैसे कि आप हमारे वीडियो में देखे। अभी यहाँ के ऑनर आ रहे हैं, ऑनर से मैं आपको मिलवाता हूँ। रेस्टोरेंट तो आए हुए हैं, तो वही कुछ खाने वगैरह मंगाए हैं और अभी वही खाने के लिए बैठे हैं, देखते हैं यहाँ का टेस्ट क्या है। और क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो के थ्रू बहुत कोई आएंगे यहाँ पे, अच्छा लगेगा हमारे वीडियो के थ्रू आप लोग आएंगे, तो मैं टेस्ट थोड़ा लेके मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल सा मैं मंगाया हूँ चिकन चिल्ली और नान, देखते हैं क्या है इसका टेस्ट। अच्छा है, नो डाउट टेस्ट अच्छा है। खाना हो गया, चलो हाथ धो लेते पहले। तो अभी मैं खाना खा लिया और अभी मैं काउंटर में हूँ, भैया के साथ में अभी मैं मिला हूँ और भैया से मैं यहाँ के बारे में कुछ जानूंगा, क्या सोच के इन्होंने ये वाला बनाया थोड़ा। भैया जी नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है, मैं यहाँ का रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे हमारे एमडी सर ने ये सोच करके ये बनाया है कि जैसे बहुत लोग होते हैं जो मिडिल क्लास के होते हैं जो एरोप्लेन का सफ़र नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि ऐसा थीम लेकर के हम आए हैं। ये थीम्स मेन पर्पस यही है कि लोगों को खाना खाते वक्त उनको प्लेन जैसा महसूस हो कि हमको लगे ना कि हम फ्लैट में ना चढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो उससे ये दोनों ये हो जाता है कि नहीं, हम दोनों मज़ा मिल रहा है, जैसे रेस्टोरेंट का भी हो गया और फ्लाइट का भी फील होता है कस्टमर को। तो ये एक हो गया सर। दूसरा चीज़ ये है कि हर जगह जैसे आपका रांची हो गया, मेट्रो सिटी हो गया, वहाँ पे हम लोग का एरोप्लेन का हवाई अड्डा है, एरोप्लेन का ये है, पर धनबाद में नहीं है। तो मेन मोटिव यही है कि ये भी फील होता है कि नहीं,
इनके जरिए में ये चीज को फुलफिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो और यहाँ का हमारा यहाँ का अगर हमारे हमारे वीडियो के थ्रू अगर कोई आना चाहेंगे तो ये लोकेशन कहाँ पे है, कैसे लोग पता चलेगा आपका? जैसे विनोद बिहारी चौक असरफी हॉस्पिटल जो काफी फेमस है, तो असरफी हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट है ये लोकेशन हमारा। अच्छा है। और इनकी खासियत हमारा है कि हमारा जो फूड है वो बहुत काफ़ी डिलीशियस है, जो भी गेस्ट वगैरह हमारे आते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर के जाते हैं, और खाना वगैरह काफी टेस्टी है। खाना खाना के बारे में मैं बताता हूँ भैया, देखो हर आदमी अपना तारीफ करता है, ये आप लोगों को भी पता है, लेकिन मैं बताता हूँ खाना सीरियसली यहाँ का अच्छा है। मैंने खाया अभी चिकन चिल्ली खाया और नान रोटी खाया, जैसे कि आप हमारे ब्लॉग में देखे, सच में खाना बहुत अच्छा था, पता ही नहीं चला, मतलब इतना खा लिया कि पता ही नहीं चला, पता नहीं डाइजेस्ट होगा कि नहीं, वो तो पता नहीं भैया। अब ये जो विंडो देख रहे हैं, विंडो देख के ही आपको फील हो रहा होगा कि ये हम लोग प्लेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जब बैठा तो मैं वो तो होता ना स्काई का बादल वगैरह दिखता है इसी टाइप का, तो भैया यही था कुछ ये प्लेन का रेस्टोरेंट, तो अच्छा लगा भैया, थैंक यू सो मच। फिलहाल मैं अभी एक मॉल जा रहा हूँ क्योंकि वहां पे हमारे सर वेट कर रहे हैं जिनका कल एक मूवी आया है, मूवी का नाम है यही रेस्टोरेंट यही सबको बना हुआ है दोस्ती और प्यार, और इस रेस्टोरेंट में भी उनका शूटिंग वगैरह सारा चीज यहीं से हुआ है, दोस्ती और प्यार, ठीक है सर, ठीक है। तो यही कल रिसेंटली ओपन हुआ है, कल तो वो मूवी का लॉन्च हुआ है, और उस मूवी में जो मेन हीरो को रोल किए हैं आज मैं उनसे मिलने वाला हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, थैंक यू भैया। चलिए थैंक यू सर। ओके ओके। ये जो फ्रेम हो गया ये तो आपका फोटो शूट का ये फ्रेम हो गया, ठीक है, आप यहाँ पे फोटो वीडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं मॉल, तो फिलहाल मैं अभी मॉल पहुँच गया हूँ, और यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड आ रही है जो मूवी में वो फ्रेंड काम भी की है, तो चलो मैं मिलवाता हूँ, शायद आ गई है। तानिया तानिया ये रहा, तानिया आ गई है यहाँ पे, चलो एंटर कर दे सर का। हाँ तो गाइस अब ये पोस्टर देख सकते हैं दोस्ती प्यार, ये लड़की इसमें काम की है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा इसका सीन है इस दोस्ती प्यार वाले मूवी में। तो अभी आइनोक्स के अंदर में है प्रभातम मॉल, आइनोक्स के अंदर हमारे बीच में सर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मेन रोल जिसको हीरो बोलते हैं हम लोग मूवी में, उनके बहुत अच्छा दोस्त बन के ये उस मूवी में काम किए हैं। तो सर कैसा लगा इस मूवी में काम करके आपको? ये बहुत अच्छा लगा, और ये हमारे छोटे भाई जैसे हैं, इनके जो भी ब्लॉग देखने वाले हैं इनको अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें, फॉलो करें लोग, बहुत ही अच्छा लगा। धनबाद का बहुत साथ मिला इस फिल्म में, हम लोग जो भी राजू सिंह रागी जो मेन इसमें हैं हमारे फिल्म में वो भी धनबाद से हैं, और एक मेजर कैरेक्टर हमारा छोटा भाई करा इश्तियाक, जिन लोगों ने फिल्म देखी उन लोगों ने देखा होगा, बहुत विलन का रोल किया है, हाँ, और बहुत ही अच्छा है, बड़ा कैरेक्टर है इश्तियाक भी यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से संजय मिश्रा जी हैं, पंकज सांवरिया हैं, इधर घुमा दो, ये तान्या करके है, तान्या रावत ये लड़की है, ऐसे ढेर सारे लोग कलाकार इसमें मौजूद है, पायल है, सुप्रिया है, बहुत सारे लोग काम किए हैं। तो इस फिल्म में धनबाद के काफ़ी कलाकारों को काम मिला हुआ है, और इसके प्रोड्यूसर हैं यहाँ के जाने माने, काफ़ी लोकप्रिय पॉपुलर लोकप्रिय नेता हैं कांग्रेस के, श्री रणविजय सिंह जी। धनबाद में ये दो सिनेमा घर में रिलीज किया गया, दोनों ही मल्टीप्लेक्स से, एक बिग बाजार की जो बिल्डिंग है उसमें एक आईनॉक्स है, उसमें भी लगा हुआ है, 12:30 से वहाँ शो चलता है, और 4:25 से शो चलता है प्रभातम मॉल जो काफ़ी फेमस है धनबाद का, यहाँ के आईनॉक्स में लगा हुआ है, तो आइए आप लोग देखें। और मैं बता दूँ मैं जो स्कूल से पास आउट हुआ था गुरुकुलम, वहाँ का भी काफ़ी सीन हुआ है इस मूवी में, क्योंकि मैं बता दूँ गुरुकुलम भी है, गुरुकुलम का उसमें काफ़ी शूट है, और इसके बाद सेंट जेवियर्स है, इसके बाद एक पीके रॉय मेमोरियल भी है, ये देखो पब्लिक जाती है मूवी देखने के लिए, ये भीड़ जो है, ये जो लोग जा रहे हैं भाग भाग के, फिल्म शुरू हो गई तो भी लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं फिल्म देखने, 4:25 का शो था। और ये है कि जितनी भी मूवी मतलब जितने बार भी लगी सारे के सारे हाउसफुल जा रहे हैं, सबसे अच्छा बात है हम लोग। ये लड़की का भी जो सीन आया है इसका भी सीन गुरुकुलम में काफी अच्छा आया है, और उस मूवी में जो विलन का रोल किया है, मेन लीड का रोल किया है, हमारे बीच में यहाँ पे आ चुके हैं। तो भैया कैसा लगा इस मूवी में आपको काम करके? बहुत अच्छा लगा इस मूवी में काम करके, और मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, और बहुत मज़ा आया काम करके, और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। थोड़ा आप अपना नाम बता दीजिएगा मूवी का?
दोस्ती और प्यार मूवी का नाम है और मेरा नाम इश्तियाक अहमद हुआ। आपका ओरिजिनल नाम बता दीजिए। इश्तियाक अहमद है और मेरे कैरेक्टर में बलवीर है नाम। ओके, ये धनबाद वहाँ से पूछते हैं। अच्छा अच्छा, तो हमारे ही साइड के है इधर। जान के अच्छा लगता है हमारे धनबाद से काफी लोग यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं सर के थ्रू। हमारे बीच में सर भी आ चुके हैं जो मूवी का लीड रोल किए हैं, हीरो का रोल किए हैं, और उनके साथ में जो दोस्त के रोल किए हैं काफ़ी अच्छा। और साथ ही साथ मूवी तो तीन कैरेक्टर से तो ज़्यादा फेमस होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, विलन, दोस्ती एंड एक्टर। तो सर, इस मूवी के बारे में थोड़ा कुछ। हमारे भाई, आप अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम आर्यन है, हमारा चैनल आर्यन डांस ब्लॉग के नाम से चल रहा है। ये आर्यन को देखने वाले सभी जो भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, नमस्कार। देखिए, ये फिल्म हमारे झारखंड धनबाद में बनी है और पूरे तरीके से पारिवारिक फिल्म है। हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि लोगों को घर से निकल के अपने हॉल तक लाएँ, परिवार के साथ साथ परिवार वो आएँ, इस फिल्म को देखें। ये हमारा सबसे पहला कार्य था और सोच थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म में जो हमारे साथ अभिन्न अंग हैं, वो हमारे साथ हैं, मोंटी जी हैं, इधर इश्तियाक अहमद जी हैं, जो ये लोग बराबर में काम किए हैं, बहुत उम्दा काम किए हैं। फिल्म का निर्माण पूरा धनबाद में हुआ है, धनबाद के बहुत सारे कलाकार इसमें हैं, साथ ही साथ क्या नाम है इसका, तानिया भी है जो इसमें काम की है। तो फिल्म देखने लायक है, आप लोग देख सकते। मैं कल ये मूवी देखने के बाद ही मैं सर से मतलब मिलने वाला था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि सर धनबाद में रुके पड़े हैं। वो तो तानिया मुझे मिलवा दी, थैंक यू तानिया इसके लिए। और सर से मिल के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर हमारे धनबाद को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू। जैसा कि मैं बोला था, हमारे गुरुकुलम जहाँ से मैं पास आउट हुआ था वहाँ पे काफ़ी सीन हुआ है। और गुरुकुलम से थे तुम, तो यानी कि प्रीतम सर तुम्हारे गुरु हो गए पहले। हाँ, वेरी गुड। इसके जो भी चैनल है मेरे भाई का, इसको आप लोग खूब देखिए, खूब प्यार दीजिए, सराहिए, क्योंकि कोई भी अगर नया कुछ करना चाहता है जीवन में, उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो कुछ और अच्छा करने के लिए सोचता है कि हाँ, अगर आज ये किए हैं तो कुछ और नया करें। तो मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं तुमको और तुम्हारे चैनल। थैंक यू सो मच सर, खुश रहो। थैंक यू सर, डाडा। तो दोस्तों, आप लोग सारे कैरेक्टर से मिल लिए, जो जो मूवी का मेन कैरेक्टर जो निभाए हैं, ठीक है। और स्पेशल थैंक्स तानिया जो मुझे मिलवाए सारे कैरेक्टर से, सारे एक्टर से, विलन से, जो मुझे मिल के बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और तानिया क्या बताएं, तानिया को मैं आज बहुत परेशान किया हूँ फिलहाल, सो स्पेशल थैंक यू। तो फिलहाल दोस्तों, मैं अभी निकल रहा हूँ घर, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा बन चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि और बड़ा बने। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अभी घर पहुंचा और ड्रेस जैसे चेंज किया वैसे मैं देखा भैया को, मतलब पता नहीं कैसे आज यहाँ पे आ गए, पता ही नहीं चला, सरप्राइज दे दिया। आते ही देख क्या कर रहे, अपना काम कर रहे और अपना पेड़ का ये रगास पर काम गिर रहा है। कैसे है भैया यहाँ पे? कैसे है? बढ़िया है। देखो मछली, कैसे आ गए आप यहाँ पे? सरप्राइज। सच में गाइस, किसी को नहीं पता चला था, मैं तो अभी आया जस्ट और मैं देखा भैया यहाँ पे मछली धो रहे हैं, तो मैं सोचा कि ये वाला मैं डालू, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में तो भैया को देखने को मिलेगा। तो कैसे आए कैसे नहीं आए वो तो जानने को तो मिलेगा ही, इसीलिए मैं यहाँ पे ले लिया। मछली धो रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।